सभी दर्शकों को प्राइम वीकेंड न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका फिर स्वागत है। गर्मी आते ही जिस पर इसका कहर सबसे ज्यादा टूटता है वो ही किसान आए दिन किसी न किसी कारण से फसलों में लग रही आग और भुखमरी फैल रही है। एक वानगी आज ऊना में देखने को मिली जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कई बीघों की फसल जलकर स्वाह हो गई, जिसका खामियाजा किसानों को अपनी खून पसीने की कमाई खोकर चुकाना पड़ा। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के आसीवान थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरम्बा मदारी खेड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब किसान की खून पसीने से तैयार गेहूं की फसल में हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर गई और फसल धू धू कर जलने लगी। ये नज़ारा देख किसानों में अफरा तफरी मच गई और किसान आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आए। इस भीषण आग में 50 बीघा में फैली गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। ग्रामीण किसान ने बताया कि गेहूं जल चुका है और अब बताओ हम लोग क्या खाएंगे, अभी तो एक साल पूरा बाकी है। फसल जलने के कारण जानवर और आदमी दोनों भूखे मरेंगे। अरे गेहूं भैया जल चुका है, लगभग दो चार बात बचे, अब बताओ कहाँ खावा दे, तब तक एक साल पूरा है, जानवर भूखे मरे हैं, आदमी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।